क्यूट बॉक्स, मैं हूँ पूजा राठी और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं बीबी की वाइंस द ब्राइटर साइड। वीडियो अभी न्यू आया है, आई नो कुछ दिन हो चुके हैं बट अभी हमारे लिए तो नया है क्योंकि मैंने नहीं देखा है। बट वीडियो देखने से पहले आप मेरे टी शर्ट देख रहे हैं CuteBox। So this video is in collaboration with Fadu Cases। So ये जो Fadu Cases है ये Instagram पे एक online पेज है जहाँ पे आप कुछ भी order कर सकते हैं, like वो customize चीज़ें बनाते हैं, t-shirts, mugs, phone cases, फ़ोटो फ्रेम्स, बहुत कुछ आप विज़िट कर सकते हैं। ये इनका इंस्टाग्राम आईडी है, आप फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपका खुद का एक यूट्यूब चैनल है और आप भी ऐसे टी शर्ट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, आप कपल हैं, बहुत सारे टाइप के टी शर्ट्स बनाते हैं वो, पबजी, फादर्स डे के लिए, अभी मदर्स डे तो चला गया है सो फादर्स डे के लिए, और ऐसा टी शर्ट्स, सो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरा नाम लेके ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगा 25% ऑफ। सो स्टार्ट करते हैं। मुबारक हो जी। अरे आपका लड़का तो बचपन से होशियार है। 93%, वाह भी वाह। अरे 93 कहाँ कम है। अच्छा भुवन के तो 65 आए हैं। जी 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 जी, नहीं नहीं कर लेगा, होशियार है। हाँ जी हाँ जी। अरे आम निकालो यार, बड़े दिनों से आम नहीं खाए। नहीं मेरा मन नहीं है। ठीक है फिर कोई फिल्म देख के आती। कौन सी? वो लगी है ना इसकी फेवरेट, अवेंजर। हाँ चलते हैं। कोई जरूरत नहीं, आइसक्रीम तो खा सकते हैं। चलो इंडिया के चलते हैं, वहां खाते हैं। पापा प्लीज प्लीज। क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं हुआ है, मैं बस आप लोगों की बेइज्जती कराने के लिए पैदा हुआ हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा है? कि दोस्तों के फोन पे फोन आ रहे हैं कि बच्चों के इतने अच्छे नंबर आए हैं। आपको बेइज्जती फील नहीं होती कि घर के बाहर मुबारकबाद जा रही है लेकिन आ नहीं रही? तो ना आए, मुबारकबाद पढ़ाई की थोड़ी होती है बस। लेकिन अभी तो उसी की बातें हैं चारों तरफ, आज आपको फोन पे फोन आते रहेंगे। आने दो, माँ बाप का सबसे बड़ा घमंड उनके बच्चे होते हैं बेटे। याद है जब तू स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट आया था तो मैंने सबको फोन कर करके बताया था। वो अलग बात है। क्यों अलग बात है? उनके बच्चों के नंबर आए तो वो फोन करके बताएंगे। नंबर कम आने पे उदास है? आप नहीं समझोगे। हाँ जो बंदा 11वीं कक्षा में फेल हो गया था उसको क्या पता नंबर कम आना क्या होता है। आप 11th में फेल हुए थे? हर इंसान कभी ना कभी फेल होता है, मैंने बचपन में ही उसका स्वाद चख लिया था। दादा दादी ने डांटा नहीं? रिश्तेदारों ने क्या कहा? नहीं बेटा, माँ और पिताजी उदास जरूर थे लेकिन मेरे और समाज के बीच की दीवार थे। कोई कुछ भी कहता था तो कह देते थे कि नहीं नहीं कर लेगा, होशियार है। मुझे आज भी याद है मैं बहुत रोया था, पहली बार फेल हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद फेल होने से ज्यादा डर इस बात का था कि लोग क्या सोचेंगे, और पिताजी को पता चल गया तो वो क्या करेंगे। फिर वो शाम को ऑफिस से घर आए, मेरे पास बैठे और बोले, बहुत नसीब वालों को पहले हार मिलती है क्योंकि अगली बार फिर वो डबल मेहनत करते हैं, और सफलता की असली कदर उसी को होती है जो पहले हार देख चुका होता है। साथ के सभी बच्चों के मेरे से ज्यादा नंबर आए पापा। तेरी रेस खुद से है या दूसरों से? बेटा दूसरों की थाली में देखता रहेगा ना तो अपना निवाला हमेशा कम लगेगा। उन बच्चों के ज्यादा नंबर क्यों है? क्योंकि उन्होंने ज्यादा मेहनत की है, ज्यादा पढ़ाई की है। मछली किसी वजह से पेड़ पर नहीं चढ़ पाती क्योंकि वो जल की रानी है। क्या पता तेरे में भी कुछ ऐसा टैलेंट हो जो दूसरों के पास ना हो। एक बात बोलनी है। मेरा एक दोस्त है, उसके दिमाग में ना बहुत दिनों से अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। उसके भी मेरे जैसे कम नंबर आए हैं, सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे, जिसको देखो उस पर हंस रहा है। इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है उसको ना, ये सब खत्म करने का मन कर रहा है, सब खत्म करने का मन कर, कुछ ऐसा कर देगा सब एक बारी में रुक जाएगा। तेरे दोस्त को दूसरों की बातों को बुरा लग गया? अरे उसको बोल ये लोग जो आज मजाक उड़ा रहे ना कल उसी की सफलता की चर्चा करेंगे, खुद को उसकी सफलता का कारण बताएंगे। उसको बोलना कि अगर जिंदगी बिना किसी अड़चन के चलती रही तो वो सीखेगा कैसे। लाइफ अगर इतनी आसान होती तो लोग बस जी रहे होते, जिंदगी काट नहीं रहे होते। अगर उसको लगता है यही दुनिया का अंत है तो वो गलत सोच रहा है बेटे। ये स्कूल के नंबर उसका भविष्य ना ही संवार सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। इंसान को उसकी संगत सुधारती या बिगाड़ती है, वो किसके साथ उठता बैठता है, उनके गुण अवगुण उसको बेहतर या बदतर बनाते हैं। इन कागजों के एग्जाम से बहुत ज्यादा मुश्किल इम्तिहान लेती है जिंदगी बेटा, उनके आगे ये चीजें बहुत छोटी लगेंगी।
पांच साल बाद जब मुड़ के देखेगा ना तेरा दोस्त, तो वो हंसेगा कि मैं कहां नंबरों के पीछे रो रहा था। और उसको ये भी बोलना कि दुनिया चाहे उसके कितने भी खिलाफ हो, कुछ भी बोलती रहे, लेकिन उसके माँ बाप उसके साथ हमेशा खड़े। नहीं कौन से दोस्त की बात कर रहा था ये? समाज की बातों का बोझ किताबों के बोझ से ज्यादा भारी हो गया है। मुझे चिंता हो रही है। हमें इसको राह दिखानी है, बचाना नहीं है। कब तक बचाएंगे? लेकिन ये कर लेगा, होशियार है। फर्स्ट टाइम आई गेस ऐसा हो रहा है कि मैं बीबी की वीडियो देख के मुझे थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा है। मेरे को नहीं पता था ये वीडियो इमोशनल है। आई एम सॉरी बट मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी और कुछ चीज़ें मुझे बहुत रिलेटेबल लगी जो मेरी लाइफ से बहुत रिलेट की। आई रिमेम्बर दैट डे जब मैंने मेरे मॉम डैड को बोला था कि मुझे बॉम्बे जाना है 5 साल पहले, और सब लोगों ने इतना कुछ बोला था कि क्या करोगी पूजा वहाँ जाके, बहुत बहुत बुरा बुरा भी बोला था मुझे याद है। बट मेरे मॉम डैड थे वहाँ पे जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि हमारी बेटी है, हमें हमारी बेटी पे विश्वास है, वो कुछ भी करे। सो थैंक यू सो मच मॉम डैड, आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है कि आज मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर रही हूँ बॉम्बे में। आपने उस टाइम किसी का नहीं सोचा, किसी समाज का या रिश्तेदारों का नहीं सोचा कि कौन क्या बोलेंगे। बी फ्रैंक, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ कि मेरे खुद के रिश्तेदारों ने इतना कुछ बोला था मुझे, बट मेरे पेरेंट्स ने सबकी सुनी और मुझे एक सेकेंड के लिए भी नहीं बोला कि देख पूजा इतना सब तुझे बोल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि बेटा सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि पूजा बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। वो तो मेरी सिस्टर है जो मुझे सारी बातें बता देती है, कुछ भी हो घर में सो वो बता देती कि दीदी आज ये बोल रही थी, आज वो आंटी आई थी, आज ऐसे ऐसे बोल रही थी। सो मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी बिकॉज बात करने को बहुत कुछ है। मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए इतना सब किया है। आई नो सबके पेरेंट्स करते हैं, बट एक अकेली लड़की को बॉम्बे भेजना, उसके ड्रीम्स को चेज करने देना कि जा बेटा तुझे जो करना है कर, बहुत बड़ी बात होती है। आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, एंड आई लव यू माई सिस्टर। वो हर बार बोलती रहती है दीदी प्लीज़ मुझे भी वीडियो में मेरे लिए कुछ बोला करो ना दीदी प्लीज़। सो आप मेरी सिस्टर को भी फॉलो कर सकते हैं, दीपांशी राठी, खुश हो जाएगी थोड़ी सी। एंड गाइज वीडियो बहुत अच्छा था, मुझे नहीं पता था कि इमोशनल वीडियो होगा। मैंने तो आज सस्ता वाला काजल लगाया, मेरा वो भी फैल गया। सो बहुत अच्छी वीडियो थी, एक्टिंग बहुत अच्छा किया, बहुत रियलिटी है गाइज। अब मार्क्स से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो बनना चाहते हैं आप वो कीजिए, स्टडीज़ ट्रस्ट मी कुछ काम नहीं आती है। यस नॉलेज काम आती है, बट ये चलो छोड़ो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक माई वीडियो टू, एंड या फद्दू केसेस को भी फॉलो कर लीजिएगा और आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, आई मीन फाडू केसेस को। एंड प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए कि आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू क्यूट बॉक्स एंड अ क्यूट पिक्चर फ्रॉम क्यूट बॉक्स।